हेलो एवरीवन, दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर साइंस बुक, दैट इज फूड प्रोडक्शन इन प्लांट्स. इन आवर अर्लियर वीडियो वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, वी ऑलरेडी हैव लर्नड अबाउट द मेथड ऑफ फूड प्रोडक्शन इन प्लांट्स. हमने देखा था पिछले वीडियो में कि प्लांट्स अपना फूड कैसे तैयार करते हैं, और उस प्रोसेस का नाम हम एक बार उसे शॉर्ट में रिकॉल कर लेते हैं. उस प्रोसेस को हमने कहा था फोटोसिंथेसिस. और ये सब कहाँ होता है? लीव्स में होता है. किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है प्लांट्स को फूड तैयार करने के लिए? उन्हें ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, वाटर की, सनलाइट से वे एनर्जी लेते हैं, और ये सारा प्रोसेस जो होता है वो क्लोरोफिल उसके लिए ज़रूरी होता है. और ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो होते हैं लीव्स के सेल्स में ऑलरेडी पाए जाते हैं, और इस प्रकार से प्लांट्स फूड बनाते हैं. और एक बार याद कर लीजिए फूड का क्या नाम हमने रखा था. वो फूड जो प्लांट्स ने बनाया था उस फूड को हम लोग स्टार्च कहते हैं. पहले ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज छोटा यूनिट है और स्टार्च बड़ा यूनिट है. तो इस प्रकार से फूड बना था. प्लांट्स अपना काम कर लेने के बाद, अपनी ज़रूरत पूरी कर लेने के बाद, जो रिमेनिंग फूड होता है वे स्टोर कर लेते हैं अपने रूट्स में, स्टेम में, फ्रूट्स में. तो इस प्रकार से उसी फूड से हम लोग भी अपना काम चलाते हैं और अदर एनिमल्स भी अपना काम चलाते हैं. इन सारी चीज़ों की चर्चा हमने अपने लास्ट वीडियो में की थी, और आज हम लोग इस वीडियो में कुछ जो बची खुची बातें हैं इस टॉपिक से जुड़ी हुई, उस पर चर्चा करेंगे. सबसे पहले हमें कुछ प्रैक्टिकल टास्क्स हैं इस टॉपिक में, और इन प्रैक्टिकल टास्क्स को देखना है. हालांकि ये सारे प्रैक्टिकल्स जो होते हैं, अगर इन्हें आप करके देखेंगे तो ये ज़्यादा आपको बात समझ में आएगी. और इस पूरे प्रैक्टिकल को करने के लिए, जितने भी प्रैक्टिकल टास्क्स हैं, इन सारे प्रैक्टिकल टास्क को करने के लिए आपको दो केमिकल की ज़रूरत होगी. एक अल्कोहल आप जानते होंगे, कॉमन केमिकल है, मार्केट में भी मिल जाता है और इसका बहुत सारा यूज़ है. ये फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारे यूजेस हैं. अभी आप जानते हैं हम लोग कोरोना इन्फेक्शन से बचने के लिए सैनिटाइज़र घरों में रखते हैं और हाथ उससे साफ करते रहते हैं. इस सैनिटाइज़र में भी अल्कोहल का इस्तेमाल होता है. तो ये अल्कोहल आपको इंतजाम करना पड़ेगा, अल्कोहल आपको मिल जाएगा मार्केट में. और दूसरा केमिकल जो कि आपको चाहिए वो है आयोडीन सॉल्यूशन. ये आयोडीन सॉल्यूशन हो सकता है आपको मार्केट में नहीं मिले, लेकिन आपके स्कूल की लेबोरेटरी में ये है. तो जब भी स्कूल ओपन होता है तो आप ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है. हमें ये जाँचना है कि जो फूड तैयार हुआ है प्लांट्स के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो वो फूड किस किस प्रकार के प्लांट्स में, किस किस प्रकार के लीव्स में तैयार होता है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है और कैसा फूड बनता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग जांचेंगे. तो अभी आपको बताया गया कि प्लांट्स जो फूड तैयार करते हैं उस फूड का नाम है स्टार्च. यानी कि जिस प्लांट के पार्ट्स को हम लोग खाते हैं, मोस्टली दे आर स्टार्च. हम लोग जो रोटी, चावल, पोटैटो या और भी तरह के, जैसे शुगर, चीनी भी तो प्लांट से ही आता है. ये सारा मटेरियल जो हम लोग खाते हैं, ये सारे जो फूड आइटम्स हैं, दे ऑल हैव स्टार्च इन इट. इसमें स्टार्च होता है. लेकिन हम कैसे जांचेंगे कि इसमें स्टार्च होता है? तो उसका एक सिंपल सा तरीका है आपके प्रैक्टिकल टास्क वन में दिया हुआ. आप थोड़ा सा स्टार्च ले लीजिए, उसमें पानी मिलाकर उसे गर्म कर दीजिए. तो स्टार्च के रूप में आप क्या लेंगे? आप आटा ले लीजिए या चावल ले लीजिए. चावल को भी आप पाउडर कर सकते हैं या चावल को ऐसे भी बॉयल कर सकते हैं, वो भात बन जाएगा कुछ देर में. अब कहता है कि 2-3 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन उसमें डाल दीजिए. अभी आपको बताया गया कि आयोडीन सॉल्यूशन आपकी लेबोरेटरी में, साइंस लैब में मिल जाता है, कॉमन केमिकल है और अपने विद्यालय के लैब में है ये केमिकल. आप टीचर को याद दिलाएंगे लॉकडाउन के बाद, तो आपको आपकी वो हेल्प करेंगे. तो हमने गर्म कर लिया स्टार्च को पानी मिलाकर, और उसमें 2-3 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन जैसे ही हम डालते हैं, देखते हैं आप पिक्चर नंबर 4 में आप देख सकते हैं, इट टर्न्स ब्लू ब्लैक. इसका कलर हो जाता है डीप ब्लू, इतना ब्लू कि वो देखने में ब्लू ब्लैक जैसा लगने लगे. ये पहचान है, ये निशानी है स्टार्च की.
यानी कि स्टार्च में अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालें तो वो ब्लू ब्लैक हो जाता है, यानी किसी भी आइटम में अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालें और वो ब्लू ब्लैक हो जाए तो हम समझेंगे कि वो स्टार्च है। ठीक है, तो अब हम लोग प्रैक्टिकल टास्क टू को जांचने की कोशिश करते हैं, और इस टास्क के थ्रू हम जांचेंगे कि सिर्फ ग्रीन लीव्स में ही होता है ये फोटोसिंथेसिस, यानी फूड केवल ग्रीन लीव्स ही बना सकते हैं या जो नॉन ग्रीन लीव्स हैं वे भी फूड बना सकते हैं, कैसे पता चलेगा। तो ऐसा करते हैं, हम लोग एक ग्रीन लीफ ले लेते हैं और एक ले लेते हैं बिल्कुल येलो लीफ। येलो लीफ आप, या फिर ऐसे लीफ जो कि दो तीन दिन पहले पेड़ से गिर चुकी है और वो पीला हो चुकी है, ऐसा लीफ आपको मिल जाएगा। दोनों को लेते हैं, क्या करेंगे हम, सबसे पहले दोनों को पानी में बॉयल कर लेंगे और उसके बाद फिर उसे अल्कोहल में भी बॉयल कर लेंगे। अल्कोहल में बॉयल करने से उसमें जो भी पिगमेंट्स होते हैं, जो भी रंग होता है, वो सारा का सारा डिसकलर हो जाता है। और अब उसमें उसे हम अच्छे ढंग से पानी से धोकर और उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। हम देखते क्या हैं, अब देखेंगे कि जो येलो लीफ थी उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाले हम तो वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, लेकिन जो ग्रीन लीफ थी उसमें जैसे ही हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला वो ब्लू ब्लैक हो गया। इससे ये पता चलता है कि ग्रीन लीफ जो है उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ होगा और उसमें फूड बना होगा, यानी कि स्टार्च बना होगा, और इसी के चलते वो ब्लू ब्लैक हो गया। येलो लीफ जो है वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता है और इसीलिए वो उसमें स्टार्च था नहीं और वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। एक और एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे, कहता है कि गमले में लगे हुए पौधे को ले लेते हैं और दो प्लांट लेते हैं, एक को तो धूप में छोड़ेंगे जैसे नॉर्मली हम रखते हैं और दूसरे को दो दिन तक अंधेरे कमरे में रख देंगे जहां उसे सनलाइट नहीं मिलेगा। तो आप एक्सपेक्ट कीजिए जो अंधेरे में रखा हुआ प्लांट है दो दिन तक अगर सनलाइट नहीं मिलेगा तो फूड कैसे बनेगा। तो ऑब्वियसली इनके लीव्स में फूड नहीं होगा क्योंकि दो दिन से फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। दोनों से एक एक पत्तियों को तोड़ लेंगे, एक वैसा फ्लावर पॉट, ऐसा गमला जो धूप में रखा गया था और एक ऐसा जो अंधेरे में रखा गया था और उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। अब सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे, दोनों से एक एक लीफ को ले लिया, दोनों को पहले पानी में बॉयल किया, फिर हम लोगों ने उसे अल्कोहल में बॉयल किया, साफ़ पानी से उसे धोकर साफ़ कर दिया और उस पर जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो हम देखते क्या है कि जो धूप में रखा हुआ गमला था उसके लीफ में स्टार्च था, यानी वो ब्लू ब्लैक हुआ, लेकिन जो अंधेरे में रखा हुआ फ्लावर पॉट था यानी गमला, उसकी पत्ती ब्लू ब्लैक नहीं हुई, यानी कि उसमें स्टार्च नहीं था, यानी अंधेरे में रखा हुआ जो प्लांट था उसकी पत्ती में फूड नहीं बना। तो इस प्रकार से ये भी हमने देख लिया कि क्लोरोफिल ज़रूरी है, सनलाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। कहता है आप जो फूड आइटम चेक करना चाहते हैं उसमें स्टार्च है या नहीं, बड़ी आसान है, आप पोटैटो ले लीजिए, उसे बीच से काट दीजिए और उस पर दो चार बूंद आयोडीन सॉल्यूशन डाल कर देखिए, अगर वो ब्लू ब्लैक हो गया तो इसका मतलब आलू जो हम खाते हैं उसमें भी स्टार्च है। दीज आर सम प्रैक्टिकल टास्क, दीज आर सम एक्सपेरिमेंट्स विच आर टू बी डन एंड दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग, और आप इसे स्कूल खुलने के बाद एक बार फिर से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साइंस की पढ़ाई में जब आप कुछ एक्सपेरिमेंट करके कंक्लूड करते हैं तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है और मज़ा भी आता है। खैर, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहता है फूड मेकिंग प्रोसेस इन सम अनयूजुअल प्लांट्स। अभी तो हमने जो देखा फूड मेकिंग प्रोसेस पिछले वीडियो में भी, वो फोटोसिंथेसिस, ये तो ग्रीन प्लांट्स में होता है जिनकी पत्तियां हरी होती हैं और खूब आराम से फोटोसिंथेसिस करती हैं, लेकिन कुछ यूनिक प्लांट्स होते हैं, स्पेशल प्लांट्स होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। जैसे कैक्टस, अ कैक्टस ग्रोज इन अ वेरी ड्राई एरिया, इट्स लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस इन अ कैक्टस, फूड इज प्रिपेयर्ड इन इट्स ग्रीन फ्लेसी स्टेम दैट कंटेन्स वाटर एंड क्लोरोफिल। आपको पिछले चैप्टर यानी चैप्टर वन एडेप्टेशन में भी बताया गया था कि कैक्टस प्लांट्स जो होते हैं उनकी लीव्स स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनकी पत्तियां स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं और उनके स्टेम जो होते हैं वो फ्लेसी हो जाते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है, वाटर होता है और वो भोजन बनाते हैं। यानी कि कैक्टस प्लांट्स में
फूड मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो लीफ के द्वारा नहीं होता है बल्कि स्टेम के द्वारा होता है, ये याद रखिएगा, यूनिक बात है। माउल्स एंड मशरूम्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, दे डोंट हैव क्लोरोफिल, दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑन स्टेल फूड। माउल्स एंड मशरूम्स, फफूंदी आप देखे होंगे कभी कभी ब्रेड खराब हो जाता है उस पर उजला उजला फफूंदी ग्रो कर जाता है, या कोई भी मॉइस्ट चीज़ रखा हुआ घर में है वो भूल जाते हैं आप उसे यूज़ करना या उस पर ध्यान देना तो उस पर फफूंदी ग्रो कर जाता है, फंगस ग्रो कर जाता है, उसे माउल्स कहते हैं। एंड मशरूम्स, मशरूम तो आप जानते ही हैं, गोबर पर या फिर पुरानी लकड़ियों पर बरसात के समय में खूब ग्रो करता है, और अब तो मशरूम्स की खेती भी होती है क्योंकि इसके सब्ज़ी को हम लोग खाते हैं बड़े शौक से। तो इन प्लांट्स में, ये सारे प्लांट्स ही हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, और इनकी इनमें एक स्पेशल बात है कि दे डोंट हैव क्लोरोफिल इन देयर सेल्स, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, दे आर नॉट ग्रीन, दे आर नॉन ग्रीन, एंड सिंस दे डोंट हैव क्लोरोफिल सो हाउ कैन दे प्रिपेयर फूड, ये भोजन तो बना नहीं सकते हैं, दे कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे डोंट हैव क्लोरोफिल इन देयर सेल्स, तो कैसे ये अपना भोजन प्राप्त करेंगे, ये सड़े गले चीज़ों से अपना फूड लेते हैं, जो सड़े गले चीज़ हैं या बासी चीज़ है जो आपने फेंक दिया, या अपने घर की बेकार चीज़ें जैसे सब्जियां या जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो सब फेंक दिया बाहर, सब्जी का छिलका या सब, उस पर ये ग्रो करते हैं और उसी से ये फूड लेते हैं। दे गेट देयर नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट ऑन विच दे ग्रो, तो इन लोगों से ये फूड लेते हैं इस तरह से, ये नॉन ग्रीन है, फूड का प्रॉब्लम है, फूड मैन्युफैक्चरिंग होता नहीं है इसके अंदर। एक क्रॉटन प्लांट के बारे में कहता है, क्रॉटन प्लांट आप देखे होंगे जिनकी पत्तियाँ बिल्कुल रंगीन होती हैं, अलग अलग रंगों की होती हैं, और कभी कभी तो वो कई एक रंगों की होती हैं लीव्स, जिसको मैंने चितकबरे रंग की होती हैं, तो सोचने वाली बात है। जो खास करके देखिए आपके आपके बुक में जो पिक्चर दिया हुआ है, दे आर रेड इन कलर, तो जो रेड है इसका मतलब वो ग्रीन नहीं है, तो उसमें क्लोरोफिल क्या नहीं पाया जाता है क्या, और अगर नहीं है तो फूड कैसे बनाते हैं। तो आप याद कीजिए पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि देर आर सम प्लांट्स विच डोंट लुक ग्रीन बट दे ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल, उसमें भी क्लोरोफिल होता है, वो छुपा हुआ होता है, दबा हुआ होता है, नीचे होता है। देखिए, द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक क्रॉटन एपियर डार्क रेड, देयर लीव्स ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल बट अ रेड सब्सटांस इन इट हाइड्स द क्लोरोफिल, दे नीड अ लेसर अमाउंट ऑफ सनलाइट विच मेक्स दैम गुड इनडोर प्लांट्स। हाँ, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है क्लोरोफिल, वो छुपा हुआ होता है, रेड वाला जो है बाहर से दिखता है, ग्रीन वाला दिखता नहीं है, और इसमें इसे कम ही सनलाइट की ज़रूरत होती है, डिफ्यूज सनलाइट से काम चल जाता है। अगर आप कमरे के अंदर भी रखते हैं, डिफ्यूज सनलाइट कहते हैं जहाँ डायरेक्ट धूप में न रख करके, जहाँ लाइट हल्का फल्का हो और थोड़ा बहुत भी सनलाइट पहुँच रहा हो, वहाँ भी इनका काम चल जाता है। एक चौथे प्रकार का है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये भी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, सारा कुछ आपका पिछले चैप्टर का पढ़ा हुआ है। सम प्लांट्स इवन ईट इंसेक्ट्स फॉर देयर कंप्लीट नरिशमेंट, द वेनस फ्लाई ट्रैप एंड द पीचर प्लांट आर सच प्लांट्स, दे ग्रो इन सॉइल दैट इज पुअर इन मिनरल्स सो दे कैच इंसेक्ट्स वॉर्म्स एक्सेट्रा एंड ईट देम। कुछ प्लांट्स तो होते हैं जो जिनका नरिशमेंट पूरा नहीं हो पाता है फोटोसिंथेसिस से, और वो कीड़ों को खा करके अपना काम चलाते हैं, खास करके वो ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ मिनरल्स की कमी है, उनका रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाता है, तो वे कीड़े मकोड़े खाकर अपना काम चलाते हैं, जैसे वेनस फ्लाई ट्रैप, पीचर प्लांट तो बहुत कॉमन है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स, इन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं या कार्निवोरस प्लांट्स कहते हैं। द फ्लो ऑफ एनर्जी, इसे डायग्राम के रूप में समझेंगे, एनर्जी कैसे हमारे सिस्टम में मूव करता है। देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव एंड डू वेरियस एक्टिविटीज, वेयर डू दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम, हम सभी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, चाहे प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, ह्यूमन बींग्स हों, तो सवाल उठता है कि ये एनर्जी आती कहाँ से है। द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन, प्लांट्स ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स व्हेन दे ईट द प्लांट्स। आप इस डायग्राम को देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सनलाइट से फूड बनाया प्लांट ने, ठीक है, उस प्लांट को
इस गॉट ने खा लिया, उस प्लांट को ह्यूमन भी खा सकता है। अब इस गॉट को या तो लायन ने खा लिया या इसे भी ह्यूमन ने खा लिया। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इंटरेस्टिंग बात है कि ह्यूमन आदमी को एनर्जी कहाँ से मिला, या तो प्लांट से मिला या नहीं तो गॉड से मिला। अगर गॉड से भी मिला तो गॉड को एनर्जी कहाँ से मिला था, प्लांट से मिला था। लायन को एनर्जी कहाँ से मिला, गॉड से मिला। गॉड को एनर्जी कहाँ से मिला था, प्लांट से मिला था। यानी हम जितने भी एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हैं दे ऑल गेट एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स। और ये प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिला, प्लांट गेट्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। तो आप फाइनली ये कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस धरती पर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, आइदर प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, उसके अंदर जो एनर्जी है वो सारी की सारी एनर्जी सन से आई हुई है, सनलाइट वाली एनर्जी है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे आपको ध्यान में रखना होगा। और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज अबाउट इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सबको एक दूसरे से बेनिफिट है, कैसे ये देखेंगे। एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन मैनी वेज। एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और डिपेंड कई तरह से करते हैं। कैसे, वी हैव सीन दैट ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। ठीक है, ये तो हमने देखा कि चाहे हम हो या जानवर हो, प्लांट से ही फूड उन्हें मिलता है। प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स एंड ह्यूमंस फॉर नरिशमेंट। लेकिन ये प्लांट्स हमारे ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं, When animals and plants die, their bodies decay and mix with soil. It provides useful minerals to the soil. Living plants then absorb these minerals through their roots. अच्छा, कोई भी जानवर मर जाता है तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि वो सड़ जाता है। इस हमारे इस एटमॉस्फेयर में कुछ छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो उसे सड़ा देते हैं। सड़ाने के बाद सारे के सारे मटेरियल्स फिर से सॉइल में चले जाते हैं और कुछ हवा में भी चला जाता है। और सॉइल में जो मटेरियल्स गया बॉडी के सड़ जाने के बाद, जानवर के बॉडी के सड़ जाने के बाद जो सॉइल में मटेरियल गया, दे आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाई प्लांट्स। और प्लांट फिर उसे एब्जॉर्ब करके अपने काम में ले आते हैं। यानी कि हम फूड लेते हैं प्लांट से और प्लांट को भी मिनरल वगैरह मिलता है हमारे या किसी जानवर के मरने के बाद, सड़ने के बाद ये जो सॉइल में मिल जाता है मटेरियल, मिनरल और भी तरह के सब्सटेंसेस, उसी से उन्हें नरिशमेंट मिलता है। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। सिमिलरली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन विच एनिमल्स, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स नीड फॉर ब्रीदिंग। फोटोसिंथेसिस में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन निकलता है जिसे हम हो या कोई भी जानवर हो उसे श्वास के रूप में हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और हम लोग एनिमल्स एंड ह्यूमन्स इन रिटर्न गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट्स नीड फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, हम लोग श्वास के रूप में ऑक्सीजन ले लिए, छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज अगेन यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हमने छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्लांट ने ले लिया। अब प्लांट ने छोड़ा ऑक्सीजन, वो हमने ले लिया। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। आपसे पूछा जाएगा कैसे डिपेंडेंट हैं, तो हम बताएंगे ये सारा तरीका। बिसाइड्स फूड प्लांट्स ऑल्सो गिव मैनी यूजफुल थिंग्स टू ह्यूमन एंड प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी एनिमल्स। एनिमल्स एंड ह्यूमन्स इन टर्न हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स ऑफ प्लांट्स देयर बाय इंक्रीजिंग देयर नंबर। सिर्फ फूड ही नहीं, प्लांट से तो हमको काफ़ी फायदा है, सिर्फ फूड ही नहीं मिलता है, ढेर सारे यूजेस हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 3 में भी पढ़ा होगा आपने, 2 में भी पढ़ा होगा कि प्लांट से हम क्या क्या लेते हैं। और प्लांट को भी हमसे फायदा है, कुछ ऊपर तो हमने जिक्र किया ही। इसके अलावा हम लोग प्लांट का डिस्पर्सल उनके सीड्स का करते हैं जिससे कि प्लांट्स को ग्रो करने में मदद मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये था चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा कि हाउ इज़ फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। और इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, पेटियोल, लेमिना, मिडरिब, क्लोरोफिल, स्टोमाटा, फोटोसिंथेसिस एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये इन सारे टर्म्स का जिक्र हम लोगों ने पढ़ाई के दौरान किया था। पेटियोल क्या होता है, लीफ का जो डंठल होता है वो पेटियोल है।
लैमिना, लैमिना होता है लीफ का जो चौड़ा वाला भाग है उसे लीफ ब्लेड या लैमिना कहते हैं। मिडरिब बीच वाला, लीफ के जो लोअर सरफेस पर आपको बीच वाला एक मोटा पाइप दिखता है वो मिडरिब है, और छोटे छोटे जो उससे निकले हुए होते हैं उसे वेंस कहते हैं हम लोग, साइड वेंस। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल तो एक ग्रीन सब्सटेंस, ग्रीन मॉलिक्यूल होता है जो कि लीफ में पाया जाता है और यही भोजन बनाने में प्लांट की हेल्प करता है। स्टोमाटा, स्टोमाटा पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, यहाँ भी हमने पढ़ा कि लीफ के लोअर सरफेस पर कुछ छिद्र होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड स्टोमाटा। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच अ लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट। फोटोसिंथेसिस उस प्रोसेस को कहते हैं जब भोजन अपना लीव्स अपना फूड तैयार करते हैं। एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट, अ प्लांट दैट ईट्स इंसेक्ट फॉर नरिशमेंट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स उस प्लांट को कहते हैं जो कीड़ों को मारकर अपना भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर इस सेकेंड वीडियो के साथ फिनिश हो गया, और इस चैप्टर में हमने देखा कि हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड, और एक थर्ड वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा यूट्यूब पर, जिसमें कि हम लोग इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे, और इस प्रकार से आपका एक और वीडियो के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।